आज लाल किला से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जहां तक आंख जा रहा था वहां तक युवाओं का गुस्सा दिख रहा था। इतने बड़े तादाद में आज देश के राजधानी में सक्सेसफुली मार्च कंडक्ट करने के लिए मेरे संगठन आईसा की ओर से आप तमाम सारे लड़ने वाले साथियों को मेरा जय भीम लाल सलाम। आज से 3 दिन पहले अरुण जेटली जी ने कहा था कि अगर रोजगार नहीं है तो पिछले 5 सालों में बेरोजगारों का उनको कोई आंदोलन नहीं दिखा, युवाओं का आंदोलन नहीं दिखा। अरुण जेटली जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने आपको इनवाइट किया था, हमने आपको कहा था कि आप आइएगा जरूर एक बार समय निकाल के लाल किला में आइए, पार्लियामेंट स्ट्रीट में आइए। और अब देखिए पिछले 5 सालों में जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे आपने लाठी चलाया, जिन यूनिवर्सिटी में आपका पुलिस घुसा, वहां के इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर फॉल्स केसेस दर्ज किए, जितने यूथ मूवमेंट के छात्रों के सर पे आपके पुलिस ने लाठी चलाया, जितने महिलाओं को आपने एडमिशन देने से डिमांड किया क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, जितने युवाओं पे आपने फॉल्स केसेस फाइल किए, जितने युवाओं को आपने देश को ही कहने का कोशिश किया, वो सारे यूनिवर्सिटी से सारे वो आने वाले
ये देश जिंदा रहेगा, ये देश आरएसएस के नफरत करती के डिजाइन को धकेलते हुए आगे बढ़ेगा। हम गारंटी करेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ऐसा हार होगा कि अमित शाह जी बहुत सालों तक